नमस्कार साथियों, ये एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रश्नोत्तरी 1 का क्वेश्चन आंसर है। आइए शुरू करते हैं। एक्सेलरेटेड लर्निंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा चरण है? तो इन चारों ऑप्शन में चौथा सही है, उपरोक्त सभी। देखिए, ये सही हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन एक्सेलरेटेड लर्निंग का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन केवल कक्षा स्तरीय पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान दें, यानी कि सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सेलरेटेड लर्निंग है, ये चार ऑप्शन दिए हैं, पूर्व कक्षा के ज्ञान और कौशल की पहचान करना और उन्हें कक्षा स्तरीय पाठों में एकीकृत करना, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। मैं इस ट्रेनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से अपनी ट्रेनिंग को लिंक से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, ये भी सही हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। तीन क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। आइए देखते हैं कितना स्कोर हुआ। योर स्कोर इज़ 3 out of 3, यानी कि आपका कोर्स कम्प्लीट हो चुका है और आप अब वापस हो सकते हैं और इस तरीके से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। यू हैव कम्प्लीटेड दिस मॉड्यूल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।